प्रथा प्रतिज्ञा न्यूज मेजा से आज आपको दिखाएंगे हमारे पीछे, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर नदी में जो बाढ़ आया है पूरी तरह से यहाँ पर जलमग्न हो चुका है। पूरा जो खेत है, जो फील्ड है यहाँ के लोगों का, पूरी तरह से यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगे सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। ये क्या कहते हैं, पिछले दिनों खुले बांध के कारण ये नदियाँ इस समय उफान पर हैं। गंगा, यमुना, सारी नदी इलाहाबाद से लेकर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ से नदियाँ ये गुजरी हैं वहाँ वहाँ ये पानी पूरी तरह तबाही मचाया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं, मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये कोहड़ार और मेजा रोड के जोड़ने वाली ये पूरी तरह से संपर्क टूट गया है मेजा रोड कोहड़ार से। इस तरह से आवागमन बिल्कुल बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो क्या कहते हैं ग्रामीण हैं, यह स्थान पूरी तरह से पिकनिक स्पॉट बन चुका है और यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर यूँ ही सुबह से शाम यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ होता है। और गांव में अगर और चलें हम लोगों के पास तो वहाँ कुछ के तो घरों के एकदम मुहाने तक पानी ये पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। कई किसानों के फसल बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो इस समय बाढ़ आया है, हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। चाचा थोड़ा गिराएंगे आप, हम इनसे बात करेंगे कि ये पानी कितना खतरनाक, कितना नुकसान लोगों के लिए है। और अगर ये कुछ दिन और, क्योंकि अभी तो जलस्तर इसका बढ़ता ही जा रहा है, अभी 10 मिनट खड़े खड़े मैं देखा यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पानी आगे बढ़ रहा है। तो चाचा आप कहाँ के हैं, यहीं के हैं? यहीं आपका घर है? तो ये पानी अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर इसका खतरा कहाँ तक है, क्या कैसे आप समझ सकते हैं? गांव बुड़ जाए, पूरा गांव बुड़ सकता है। तो इसमें फसलों की आप बता सकते हैं क्या, ये जो इधर ये इधर फसल ही थी कि ऐसे खाली मैदान पड़ा था? हाँ, इसमें पूरा फसल था इस तरफ, पूरी तरह से धान कम। अच्छा, आप दिखा दीजिए चारों तरफ, थोड़ा सा चारों तरफ दिखा दीजिए। देखिए पूरा, आप जहाँ तक उधर पूरा दिखा दीजिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सब जगह पानी ही पानी आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो लोग हैं स्थानीय, जिनका डेली प्रतिदिन का आना है यहाँ पर, क्या कहते हैं, वो यहाँ के नाव के माध्यम से, आपको हम थोड़ा सा उस पार तक दिखाएंगे, आपको ज़्यादा दूर है इसके वजह से थोड़ा सा कैमरा में कम आएगा, लेकिन आपको भीड़ थोड़ा एहसास होगा कि उस तरफ भीड़ है। वो भीड़ है जो कि नाव से, कुछ लोग जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वो इस नाव के माध्यम से उस पार से इस पार तक आते हैं और यूं ही अपना जो है डेली का रूटीन लगा हुआ है। और आपको थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे, आप पीछे घुमाकर दिखा दीजिए पूरा कैमरा, ये भीड़ किस तरह से यहाँ पर डेली इसी तरह से यहाँ पर आती हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं और अपना जो भी है यहाँ पर अच्छे से इंजॉय करते हैं। यहाँ पर दुकानें भी लग चुकी हुई हैं लोगों के लिए, नाश्ते के लिए, कि बिल्कुल एकदम सारी व्यवस्था यहाँ पर लोगों का उपलब्ध है। लेकिन यकीनन ये जो बाढ़ है अगर यूं ही बढ़ता रहा तो आगे चल के लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं मेजा से सचिन पटेल की रिपोर्ट।